जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुसलसल हम अपना ये काम जारी किए हुए हैं जिसमें हम ऑनलाइन फिजिक्स के लेक्चर स्टडी करते हैं। स्टूडेंट सेकेंड ईयर क्लास का आज का हमारा आर्टिकल है सीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम इस आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर CRO स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। डिफरेंट बुक्स में बेटा इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, कहीं ये CRT भी लिखा जाता है कैथोड रे ट्यूब, और कहीं ये CRO ऑसिलोस्कोप। इन दो चीज़ों में ज़रा डिफरेंस है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। CRO स्टैंड फॉर ऑसिलोस्कोप, और ऑसिलोस्कोप में हम वेव्स जनरेट करवाते हैं, और CRT इज कैथोड रे ट्यूब, जिस डिवाइस के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर हम ये सारा का सारा प्रोसेस करवाते हैं उसे CRT कहा जाता है। स्टूडेंट इसकी डायग्राम हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसी डायग्राम के मुताबिक ही जो है वो अपना काम करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फिलामेंट। इस फिलामेंट का काम क्या होता है, इस फिलामेंट का काम होता है हीट प्रोड्यूस करना। देन आफ्टर हमारे पास आ जाता है इसमें ग्रिड। बेटे दो चीजें हैं, एक इसमें हम कैथोड भी लगा देते हैं यहाँ पर, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना, और बाद हम ये करते हैं कि फिलामेंट ही एक ऐसे मटेरियल का बना लेते हैं जो हमारे पास हीट भी जनरेट करे और साथ हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट भी करे। इस ग्रिड का काम बेटे क्या होता है, अभी हम फिलामेंट को स्टडी करते हैं पहले। फिलामेंट का काम ये होता है इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बात आप क्या ले सकते हैं प्रोड्यूस हीट। लेकिन यहां पर इसका काम क्या है, यहां पर इसका काम है इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग। ओके वेरी नेक्स्ट पॉइंट बेटे हमारे पास आ जाता है इसमें ग्रिड। उस ग्रिड का काम क्या होता है बेटे, ग्रिड क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। सवाल ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं और उससे वेरी नेक्स्ट हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जिसे हम ग्रिड कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले से ही नेगेटिव हैं और हम उससे वेरी नेक्स्ट ग्रिड लगा के उन इलेक्ट्रॉन को अपोज करना चाह रहे हैं, तो इस ग्रिड को पहले स्टडी करते हैं कि ग्रिड का मकसद होता है इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करेगा वो हमारे लिए अहम होगा। इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे हमारे पास में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकले जिनकी एनर्जीज डिफरेंट थी, हमने ग्रिड पे एक फिल्टर लगा दिया, इस ग्रिड का पोटेंशियल सेट कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होगी वो इस ग्रिड से पास आउट करेंगे, और जिनकी एनर्जी इससे कम होगी वो पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फिल्टर लगाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करते हैं वो इस ग्रिड से गुजरेंगे, उसके अलावा बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन्स पीछे ही रह जाएंगे। आपने यहां से क्या किया, सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल आए आगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेटर माना और एक बीम की फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज एनोड्स दे देते हैं और
नॉर्मेटिव है, कहीं दो बनाए हुए हैं, कहीं तीन बनाए हुए हैं और कहीं ये पांच भी हैं। इट डिपेंड्स कि आपने बीम की कंसंट्रेशन लेवल किस तरह का रखना है। हम यहाँ पर तीन एनोड्स लगा रहे हैं, A1, A2 और A3। बेटे यहाँ लिख भी देते हैं A1, A2 और A3, ये आपके पास एनोड्स हैं और एनोड्स पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। हमने तीन एनोड्स लगाए और उन तीनों एनोड्स को डिस्क्राइब किया कि इन तीन पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और इस पॉजिटिव पोटेंशियल का मकसद क्या होता है जी। मकसद देखते हैं जी, ये हमारे पास क्या काम कर सकते हैं। पहली बात, इट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगा। दूसरी बात क्या होता है जी, मेक अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पास करवाया और एक बीम की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां तक पहुंच गए। क्या इलेक्ट्रॉन्स को बीम बनाना ही काम था या इसके अलावा भी हमने इसमें कुछ करना है? तो बेटे इसके अलावा हमारे पास ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से गुजरते गए तो ये जस्ट एक पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक नहीं करवाना बल्कि टू डायमेंशनल इमेज बनाना है और वो ग्राफ हो सकता है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर टू डायमेंशनल इमेज जनरेट करवाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगाते हैं। एक बच्ची हमने लगाई है एक्स डिफ्लेक्टिव प्लेट। ठीक है जी, एक्स डिफ्लेक्टिव प्लेट का काम क्या होता है जी, इसका काम ये है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकती है। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये दो बॉल्स जो हैं, ये मेरे पास एक्स डिफ्लेक्टिव प्लेट हैं और सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, डिफ्लेक्शन से इस तरफ जा सकता है या डिफ्लेक्शन से इस तरफ जा सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसे कौन सा पोटेंशियल देंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव टूवर्ड्स द राइट प्लेट और टूवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट। और दूसरी बात बेटा, सीआरओ के अंदर ये नॉर्मली बिल्ट इन पोटेंशियल दिया जाता है। बिल्ट इन पोटेंशियल से मुराद ये होता है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसे नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा जी, सीआरओ के अंदर ही हमने एक सर्किट बनाया होता है जिसके अंदर ये पोटेंशियल हमने सेट किया होता है और इस पर जो पोटेंशियल दिया जाता है ना, वो पोटेंशियल होता है सातुत वेव की फॉर्म में। मतलब कहने का ये है, ये सातुत वेव आप समझ सकते होंगे कि ये लीनियरली पोटेंशियल बढ़ा और एट दैट पॉइंट यहाँ पर जाके जीरो, फिर पोटेंशियल बढ़ा और फिर पोटेंशियल जीरो। इस वेव को हम कहते हैं सातुत वेव। इसको समझना और एनालाइज करना बड़ा आसान है बेटे। ऐसा समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने अपनी एनर्जी गेन की और स्क्रीन पर जाके टकराते ही हमारे पास उसकी सारी एनर्जी जीरो हो गई। टाइम टू टाइम सेकंड इलेक्ट्रॉन आया एंड देन टकराया, टकराने के बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने किया क्या है यहाँ तक अभी, आपने इलेक्ट्रॉन को एक्स डिफ्लेक्शन जनरेट करवानी है। एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्स पे जो है वो मूव करवानी है। अब यहाँ पर एक और बात हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है बच्चे, चूंकि हमने बिल्डिंग पोटेंशियल दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेंशियल सर्किट के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बीम की फॉर्म में वहाँ पर जाके एक डॉट पे क्लिक नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपके पास उस स्क्रीन के ऊपर जाके हॉरिजॉन्टली एक लाइन बना देंगे। ये लाइन किस तरह से ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब आपके पास हॉरिजॉन्टली एक लाइन के अलावा वहां पर ट्रैवल कर रहे होंगे। हम चाह रहे हैं कि ये अभी भी वन डायमेंशनल इमेज है और वन डायमेंशनल इमेज हमें कैसे मिला, एक प्लेट के ऊपर डिफ्लेक्शन देने से। अब हम चाह रहे हैं कि हम टू डायमेंशनल इमेज जनरेट करवा दें और उस टू डायमेंशनल इमेज को जनरेट करवाने के लिए हमने क्या करना होगा, एक सेकेंड
सपोज कि पहले हमने ये डिफ्लेक्शन जनरेट की, अब हम इस तरह से डिफ्लेक्शन जनरेट करवाते हैं। बच्चे जब इस तरह से डिफ्लेक्शन जनरेट करवानी होगी तो फॉर इमेजिनेशन हमें अपने सीलिंग पे और फ्लोर के ऊपर पोटेंशियल देना होगा। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इट कैन मूव अपवर्ड एंड इट कैन मूव डाउनवर्ड, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हम वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा सिंपली पर्पज ये होगा, वाई डिफ्लेक्शन प्लेट से आप पोटेंशियल दें और ये आपके कंट्रोल में होगा। मतलब कहने का ये है, जैसे नॉर्मली आप लोग जो सीलिंग फैंस होते हैं उनका पोटेंशियल कंट्रोल कर रहे होते हैं डीमर से, इसी तरह से आप कैथोड रे ट्यूब के ऊपर भी एक पोटेंशियल के लिए नॉब बनाई जाती है और जिस नॉब से आप वायर डिफ्लेक्शन प्लेट्स का पोटेंशियल कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएगा और इधर हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन कभी भी स्ट्रेट नहीं हो सकती, ये हमेशा कर्व होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमारे पास कभी भी स्ट्रेट नहीं हो सकती और ये हमेशा क्या होती है, कर्व होती है। तो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा फॉर एनी पोजिशन। जब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा तो कुछ इस तरह की वेव्स आपके पास जनरेट होंगी। जब बच्चे इस तरह की वेव्स आपके पास जनरेट होंगी तो फिर यही हमारा बेसिकली वन पर्पज होता है। हम इसको यूज कहाँ करते हैं, हम इसको यूज करते होते हैं जी नॉर्मली हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को जनरेट करने के लिए। हॉस्पिटल्स का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि वहाँ पर हम अक्सर डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके ऊपर हमें बीम्स दिखाई दे रही होती हैं, वो बेसिकली बॉडी पोटेंशियल को इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि ये वेव्स तब जनरेट हो सकती हैं जब एक्स का पोटेंशियल जो है वो वाई के पोटेंशियल से सिंक्रोनाइज करेगा। राइट जी, तो सिंक्रोनाइजेशन से क्या मुराद होता है? सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि हमारे पास सिंपली अगर x के पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो y पे भी 0 होगा। हम x को 0 की बजाय ले लेते हैं 5 वोल्ट। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो y पे कितना हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है एंड सो ऑन। सिंक्रोनाइजेशन से मुराद ये है कि आपका x का पोटेंशियल जो होगा वो y का पोटेंशियल x के पोटेंशियल का मल्टीपल होगा। यहाँ पर n आपके पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट पोटेंशियल आपके पास पॉसिबल हैं, लेकिन अगर इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो फिर हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो इस साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में आएगा, ठीक है। साइनोसाइडल वेव साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में तब कन्वर्ट होगी जब आपके पास उनका पोटेंशियल होगा उसकी सिंक्रोनाइजेशन होगी। इसका यहाँ पर साइंटिफिकली हमारे पास क्या मकसद है, क्या रोल है, हम यहाँ से वेव्स जनरेट कर सकते हैं। एक दूसरी बात, जब आपने वेव जनरेट की है आप उसका टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, आप उसका जो है वो एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड अबाउट द सीआरओ। Hope you enjoyed it. Thank you so much. Allah Hafiz.